नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। बिहार के लखीसराय जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना हलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समीप स्टेट हाईवे की बताई जा रही है, जहाँ सिकंदरा शेखपुरा सड़क मार्ग पर गैस सिलेंडर लदे ट्रक और सुमो विक्टा गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। मरने वाले सभी लोग फिल्म अभिनेता दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई ओपी सिंह के परिजन बताए जा रहे हैं। ओपी सिंह फिलहाल हरियाणा में आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में बड़े पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह की बहन का निधन होने पर सभी लोग पटना दाह संस्कार में गए थे। पटना से जब वापस जमुई लौटने पर यह बड़ा हादसा हुआ है। इधर घटना की सूचना पर एसपी सुशील कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। आपको बता दें कि जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के सगदाहा भंदरा गांव के लालजीत सिंह की पत्नी गीता देवी के शव का दाह संस्कार करके एक ही परिवार के 10 लोग सुमो विक्टा गाड़ी से वापस लौट रहे थे। पिपरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप सामने से आ रही एलपीजी लदी ट्रक के साथ टाटा सुमो की भिड़ंत हो गई। हादसे में गीता देवी के पति लालजीत सिंह, बड़ा बेटा अमित शेखर उर्फ नेमानी सिंह, छोटा बेटा रामचंद्र सिंह, बेटी बेबी देवी, भांजी अनीता देवी एवं चालक प्रीतम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें सिकंदरा के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जिसमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि सड़क हादसे का शिकार बना परिवार दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार लगते हैं। सुशांत के बहनोई ओम प्रकाश सिंह, जो अभी हरियाणा में एडीजी के पद पर तैनात हैं, उनके बहनोई, 2 भगना और 1 भगनी की भी मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। हमारे गांव का एक समधी थे, उनका समधीन जो है सो पटना में एक्सपायर कर गई थी, उसी को जलाने वो लोग गए थे और जला के वो लोग लौट रहे थे। लौटने के क्रम में ही ये घटना यहाँ पर हुई। खैरा के पास नौडिहा एक गाँव है, वहीं का वो लोग थे जो रिलेटिव थे और उनका पैतृक गांव जो जिनका माँ जिनकी देहांत हुई थी उनका घर भड़रा है बगल में, वहीं थी वही लोग थे उसमें। और उसमें जो है सो 6 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया और 2 आदमी जो है सो पटना गए हैं, वो हमारे गाँव के हैं और वो भी बेहोशी हालत में अभी है और अभी तक उसे पूरा पहुंचे हैं। अब ऊपर वाले भगवान की कृपा से क्या होगा। घायल की संख्या 4 है, जिसमें 2 पटना रेफर है, 2 जमुई रेफर हुए हैं। यही घटना, मृतक 6 है। हाँ, 6, 2 महिला 4 पुरुष उसमें है। पटना से आ रहे थे। हाँ, पटना से लास्ट मैंने रिलेटिव एक महिला का वहाँ देहांत हो गया था, उसी को जला के वो लोग लौट रहे थे अपने घर को और उसी में ये सुबह की घटना है। आपका परिजन है? हाँ, हम ही लोग के परिवार के लोग थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनोज है, घर मेरा नौडिहा है, खैरा के पास है वहीं का। सुमो विक्टा से एक परिवार के 10 लोग शेखपुरा सिकंदरा रोड से जा रहे थे, उसी क्रम में हलसी में पिपरा जो है वहाँ पे सामने से एक ट्रक आ रही थी जो सिलेंडर गैस से लदा हुआ था, उसके सामने आमने सामने में टकराव हुआ है दोनों गाड़ियों का, जिसमें जो सुमो विक्टा में 10 लोग थे उसमें से 6 लोग जो उनकी डेथ हो गई है स्पॉट पे। 4 लोग जो है अलग अलग जगह पे उनको निकाल के पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया है इलाज के लिए। अभी 2 लोग सदर जमुई में हैं, इलाज चल रहा है उनका, और 2 लोगों को पटना रेफर किया गया। सभी एक ही परिवार के लोग हैं सर? अभी जो पता लगा है सभी एक ही परिवार के थे, पटना से वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है सर कि हरियाणा में कोई डीजी रैंक के अधिकारी हैं उनके परिजन? अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, अभी तो हम लोग इलाज करवाने के लिए कोशिश में हैं, जो कि उनको अच्छे से अच्छे जो जल्दी जल्दी इलाज मिल सके, और बाकी और प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर।